नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज से जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऑब्जेक्टिव रूप में। ठीक, याद रखिए आपके जितने भी जीव विज्ञान से संबंधित या किसी अन्य सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस इस तरह के ऑब्जेक्टिव रूप में आ रहे हैं वो सभी एक जगह डाल दिए जाते हैं। वो है आपकी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के नाम से फिलिस्ट सूची। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना है आपको यकृत। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दूसरा, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो यह आपका रिलैक्सिंग, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, समुद्र मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है सेरिबियम से, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है चार, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण आपका कूटबाध के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है एंजाइम? तो याद रखना ये आपका टाइलिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? तो याद रखना श्वासोच्छ्वास, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रया किसका उपयोग करती हैं? तो याद रखना ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो याद रखना विसरण द्वारा, किस द्वारा? विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा दसवां, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, क्या होती है? विघटन। क्वेश्चन है 11, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो याद रखना है सुक्रोज, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 120 अपॉन 80। ठीक, क्वेश्चन है हमारा अगला 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो याद रखना यह है आपकी ड्यूरामीटर, क्या है? ड्यूरामीटर, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ध्रान दिए पाली, क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 5, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का क्रम है सेरिब्रम, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 16, क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कर रहती है इंसुलिन के कारण, किसके? इंसुलिन के कारण। क्वेश्चन है हमारा अगला 17, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है एक एंजाइम, क्या है?
सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 18, जैव विक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव विक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, शोषण ये सभी आते हैं। क्या आते हैं? ये सभी आते हैं, याद रखिए। डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। क्वेश्चन है 19, गोबर छत्ता किस किस अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका मृत जीवी के। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा अगला 20, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 21, क्या है? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को सीओकाइटस कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला 22, क्या है? मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग है फेफड़ा। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसमें डायरिया ये नहीं है, टीबी और निमोनिया, यानी कि इसमें आपका होगा डी। क्या होगा? बी ऑप्शन और सी दोनों सही हैं, टीबी और निमोनिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 24, क्या है? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 25, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ आपके अमोनिया है। क्या है? सी डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन 26, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो याद रखना वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से किस विकास संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो याद रखना पत्ती को। क्या है? पत्ती। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 28, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंधक। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 29, फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार। सी ऑप्शन सही है। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन उपचयन की प्रक्रिया अभिक्रिया है। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 31, क्या है? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो याद रखना वेलिस एवं स्टार्लिंग ने। सी ऑप्शन सही है इसमें। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 32, पृथक्करण का नियम किसने दिया? पृथक्करण का नियम आपका दिया है किसने? पृथक्करण का नियम दिया है मेंडल ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 33, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा टेवीरेनस ने किया था। ए ऑप्शन सही है। 33 का ए है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 34,
क्या होगा? जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु साहब। कौन? अरस्तु साहब। क्वेश्चन है हमारा 35। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं आपके, कौन जाने जाते हैं? थियोफेस्टस। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 36। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 37। क्या है? फाइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइक्रोलॉजी में आपका किया जाता है अध्ययन शैवालों का, शैवाल का। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 38। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखना पारिस्थितिकी के अंतर्गत। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 39। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। क्वेश्चन है हमारा 40। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है आपका एंथोलॉजी। क्या है? एंथोलॉजी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 41। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 42। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में आपका बीज का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 43। एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 44। फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फीडोलॉजी में आपका भूमि का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 45। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 46। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो यह आपके लीनियस। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 47। सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लबड़युक्त पानी में, दलदल भूमि में, इन सभी में। 47 में आपका डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन है हमारा 48। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 49। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना आपका साइकस से बनाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 50। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन है हमारा 51। द्वि नाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो ये याद रखना। ये थे आपके लीनियस। क्वेश्चन है हमारा 52। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लियू वैन हॉक ने की थी। क्वेश्चन है हमारा 53। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बन लगते, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके अनावृतबीजी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 54। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी। क्या होगी? छड़ रूपी। क्वेश्चन है हमारा
55 जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु। क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विक्टोरिया से होता है? तो आपका विक्टोरिया से तपेदिक होता है। क्वेश्चन है हमारा 57, क्या है? मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, ये आपका एसरेसिया कोलाई। क्वेश्चन है हमारा 58, एंटीबायोटिक्स अधिकांशता पाए जाते हैं जीवाणु में, एंटीबायोटिक अधिकांशता पाए जाते हैं जीवाणु में। क्वेश्चन है हमारा 59, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है? माइक्रोप्लाज्मा, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो याद रखना, बैक्टीरिया द्वारा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो याद रखना, कोष्ठ, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 63, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, सॉरी एक मिनट, सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी आपके इवानोवस्की ने, एडवर्ड जेनर ने नहीं, ठीक है, सॉरी यार, ए ऑप्शन सही हुआ इसमें। याद रखिए, अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है, आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर मैंने गलत दिया है, तो प्लीज़ उसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया करिएगा, जिससे दूसरे को सही आंसर मिल सके, ठीक है। अगर धोखे से अगर कहीं, मेरी कोशिश तो पूरी रहती है कि आपको सही आंसर बताया जाए, फिर भी अगर कहीं गलती हो जाती है तो एडजस्ट कर लिया करिए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 64, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? ये थे आपके एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन है हमारा 65, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो याद रखना, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन है 66, निम्न में से कौन सा सोफोसी होता है? निम्न में से कौन सा सोफोसी होता है? शैवाल। क्वेश्चन है हमारा 67, टिक्का रोग किसमें होता है? तो ये होता है आपका मूंगफली में। क्वेश्चन है हमारा 68, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, एचआईवी द्वारा आत्सक रोग होता है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 69, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ये आपका चेचक, कौन सा है? चेचक। क्वेश्चन है 70, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो यह आपका लैमिनेरिया। क्वेश्चन है हमारा 71, क्या है? हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो याद रखना, विषाणु से, किससे? विषाणु से। क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो याद रखना, विषाणु में आपके एंजाइम नहीं होते, जीवाणु में होते हैं, शैवाल में होते हैं, लाइकेन में होते हैं। क्वेश्चन है 73, क्या है क्वेश्चन नंबर? कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन है 74, सार्स क्या है? सार्स विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन है हमारा 75, क्या है? खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? तो ये आपका विषाणु के कारण, क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन है 76, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है? आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है आपका विषाणु, क्या है? विषाणु।
अगला क्वेश्चन है 77। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग आपका होता है विषाणु के द्वारा। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 78। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। क्वेश्चन है हमारा 79। केल्प प्राप्त होता है, केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। क्वेश्चन है 80। लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखना शैवाल की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन है हमारा 81। क्या है? अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर अगर आपका शैवाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है हमारा 82। क्या है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी माइक्रोलॉजी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 83। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन और हेमीसेलुलोज की। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 84। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। क्या होते हैं? विविध पोषी। क्वेश्चन है 85। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉर्टिकोलस। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 86। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस, क्रो प्रोफिलस। क्वेश्चन है 87। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में नहीं होता है, शैवाल में होता है, वायोफाइटस में होता है, टेरिडोफाइटस में होता है। 87 में होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन है 88। खाली चट्टानों में उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टानों में उगने वाले लाइकरों को कहा जाता है सेक्सी कॉल्स। क्वेश्चन है 89। जापान में लोग किस लाइकेन की को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो ये आपका इंडो कार्पन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 90। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो ये आपका मिर्गी की औषधि आपकी प्राप्त होती है परमेलिया से, परमेलिया। क्वेश्चन है 91। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? ट्रेडोफाइटस में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 92। एजोला है एक जलीय फर्न। ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन है 93। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका एजोला, एजोला। क्वेश्चन है आपका 94। क्या है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम आपके टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा 95। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो ये आपका जेम्नोस्पर्म। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 96। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बर्डन होता है शैवालों का। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 97। क्या है? प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो याद रखना मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। 97 में सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 98। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक। क्या है? चेचक। क्वेश्चन है 99। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अब स्थानिक मूल। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 100। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें। क्या कहलाती हैं?
मूसला जड़ें, ए ऑप्शन सही है। तो चलिए ये थे आपके 100 क्वेश्चंस, 101 से हम लोग आगे बात करेंगे।